आइए चले इतिहास के कुछ स्वर्णिम पृष्ठों की ओर, वह इतिहास जो विक्रमादित्य शक कुषाण से पहले रचा गया, जीसस क्राइस्ट के भी इस धरती में आगमन से पहले। गुप्त सम्राटों ने भी तब अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। महाकवि कालिदास और भवभूति की अमृतमयी काव्यवाणी भी स्पंदित नहीं हो पाई थी तब। और क्या कहें, शंकराचार्य वल्लभाचार्य की शास्त्र गर्जना से भी झंकृत नहीं हुआ था यह आकाश। इस समय हम यहां खड़े हैं विश्व विख्यात भरहुत स्तूप के मूल स्थान पर, वह स्थान जो आज से 2200 वर्ष पहले यहां पर पूरी भव्यता के साथ, पूरे गौरव के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ अत्यंत उच्च गगनचुंबी स्मारक के रूप में यहां पर अवस्थित था। यह तब की कहानी है जब निबिड पार्वत्य विंध्य प्रदेश वन गह्वर हिंस्र प्राणी गर्जित था, मधुर मयूर विरुत था, रमणीय अरण्य संकुल था। उस समय यहाँ प्रमुखतः तीन संस्कृतियां विराजती थीं। आदिवासी संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की संवाहक आर्य संस्कृति, साथ ही यहाँ बौद्ध संस्कृति को आए हुए मुश्किल से 150 शताब्दी बीती होंगी। पर इस छोटे से कालखंड में इसने दृढ़ता से अपने पैर जमा लिए थे। यहाँ का प्रत्येक ईंट, यहाँ का प्रत्येक पत्थर इस बात की साक्षी है कि इस देश का जीवंत भव्य जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार की मौजूद थी। यूं तो बहुत पुराना है विंध्य का इतिहास, प्रागैतिहासिक युग का है, लोग तो कहते हैं हिमालय से भी पुराना। उस समय यहाँ मानव सभ्यता की हलचलों के विषय में हम लगभग कुछ नहीं जानते। विंध्य सभ्यता की हमें जब से जानकारी मिलती है उससे पूर्व तो सिंधु सभ्यता अपनी जड़ें जमा चुकी थी। आर्य सभ्यता ने पूर्व और पश्चिम की ओर प्रसार करते हुए दुनिया में हलचल मचा दी थी। यहाँ के उल्लेखनीय इतिहास का प्रारंभ होता है श्री राम के आगमन से। उनकी उत्तर से दक्षिण की ओर दंडकारण्य की यात्रा ने राजा से रंक तक, शबर से कुबेर तक, यक्षों से लेकर रक्षों तक सबको प्रभावित किया। उनके गुणगान को कुशीलवों ने वाल्मीकि के काव्य के रूप में हजारों वर्षों तक सुनाया। और उसके बाद शुरू हुआ मौर्य युग का वह कालखंड जिसकी हम यहाँ आपके समक्ष चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि यहाँ के सृजनकारों ने शब्द शिल्प नहीं अपितु वास्तु शिल्प अपनाया। उन्होंने समाज की घटनाओं को सुनाया नहीं अपितु आंखों से दिखाने का उपक्रम किया। और इस क्रम में सांची, सारनाथ इत्यादि के साथ साथ जिसकी प्रमुख स्तूपों के रूप में याद आती है वह है भरहुत का स्तूप। देश की ज्ञात दृश्य कला के इतिहास में
मुश्किल से एक शताब्दी के पश्चात जिस भव्यतम कला का हम निदर्शन कर पाते हैं उसका नाम है भरहुत की कला। इस कला को जीवन प्रदान करने के लिए भरहुत में तथा ग्रीस के कलाकारों की उंगलियां हुनरमंद हुईं। उपकरण के नाम पर केवल छेनी हथौड़ी ही थी उनके पास, पर इतने से मूर्तियां जीवंत हो उठी, बोलने लगी, भावी सदियों सदियों के लिए अपनी अस्मिता, अपने वैभव, अपने गौरव का बखान करने के लिए तैयार हुई। इस स्तूप का निर्माण गौतम बुद्ध की निदर्शना सम्राट अशोक के लिए आज्ञा थी। गौतम बुद्ध स्वयं पूरे जीवन भर लुम्बिनी से सारनाथ तक या कुशीनारा तक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आवागमन करते रहे। यह सम्राट अशोक का कमाल था कि उन्होंने अपने विशालतम साम्राज्य के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म के विकास का उपक्रम किया। वे स्वयं भरहुत होकर कई बार इस रास्ते से गुजरे। सतना कटनी के पास रूपनाथ का अभिलेख उनके प्रवास की याद दिलाता है, और तब उन्हें याद आई गौतम बुद्ध की वह निदर्शना जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को प्रदान की थी। उन्होंने कहा था कि जन संकुल प्रमुख चौराहों के स्थान में उनका स्मारक बनाया जावे। आखिर कुछ तो खासियत रही होगी इस भरहुत में जो उन्होंने इसे बुद्ध की पवित्र निदर्शना का स्थान चुना। उच्चतम परिकल्पना रही होगी यह। कैसे उत्कृष्टतम इंजीनियरों के कौशल का प्रमाण बना होगा यह। घने जंगल के बीच, छोटे छोटे गांवों के, कच्चे टूटे फूटे घरों के बीच इस उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया। इस विशालतम स्तूप की छत को खड़ा करने के लिए, जिसमें 12 बाई 12 बाई 3.5 इंच की भारी भरकम ईंटें प्रयुक्त होनी थी, उसके लिए कोई लोहे के गर्डर सरिया बीम तो थी नहीं। फिर भी उसे उस तकनीक से खड़ा कर दिया गया जो बीम की ढलाई से भी मजबूत था। वह थी मेहराब की तकनीक। इस तकनीक से गजब का संतुलन बनाते हुए इस स्तूप के छत की रचना की गई। इस तकनीक के लिए प्रेरणा प्राप्त की गई वैदिक ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथों में अंडाकार जगत की परिकल्पना है। उसके पश्चात बौद्ध युग में महाबुब्बुल जातक जैसे वर्णनों के अनुसार बुलबुले के समान जगत के होने का सोच विकसित हुआ। इसका लघुतम प्रतिरूप दिखाने के लिए इस प्रकार के स्तूपों का निर्माण हुआ। आज इस भरहुत स्तूप के ध्वस्त हो जाने के कारण से हम इसके वर्तमान स्वरूप को तो नहीं देख सकते, परंतु सांची के स्तूप को देख करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान युग में मध्य प्रदेश विधानसभा इसकी अनुकृति पर निर्मित हुई है। इस स्तूप का व्यास नापा गया 67 फुट 8.5 इंच। इसके व्यास का अनुपात इसकी ऊंचाई की तुलना में कुछ कम था, अतः इसके गुंबद की आकृति घंटा के आकार से कुछ मिलती थी। गोलाकार स्तूप के 10 फुट 4 इंच चौड़ी भूमि के समांतर पर गोलाकार वेदिका रेलिंग थी। यह बीच की भूमि प्रदक्षिणा के लिए प्रयोग में लाई जाती थी।
वेदिका की चारों दिशाओं में चार विशालकाय तोरण द्वार अवस्थित थे। ये लगभग सांची और सारनाथ के सदृश थे, पर कई दृष्टियों से उससे भिन्न भी थे। इस प्रकार यह संपूर्ण वेदिका स्तंभ, सूची और उष्णिश इनके द्वारा तैयार हुई थी। यहां पर कम से कम 150 स्तंभों वाली वेदिका थी। उसमें से लगभग 40 स्तंभ लॉर्ड कनिंघम को आज से 225 साल पहले प्राप्त हुए थे, और उसके पश्चात अन्य 25 स्तंभ ब्रजमोहन व्यास जी को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार अनेक स्तंभ यहां पर मौजूद थे और उनसे वह वेदिका बनाई गई थी। भरहुत के भव्य तोरण द्वार की पूरी ऊंचाई 20 फुट थी। इन्हें चार स्तंभों से जोड़कर बनाया गया था। ऊपर की ओर त्रिरत्न अथवा तीन कालों का प्रतीक, तीन आड़े खंभे जोड़े गए थे। इन्हें मुख्य ऊर्ध्वाधर खंभों में छेद करके पहनाया गया था। इन्हें सूची कहते थे ताकि वे कभी गिर न सकें। इन सूची स्तंभों के किनारों में शिशुमार अथवा मगर की आकृति अंकित थी, तथा बीच में हाथी, घोड़े तथा शेर की आकृतियां दिखाई गई थीं। सबसे ऊपर शीर्ष पर धर्मचक्र दिखाया गया था, जो कि गौतम बुद्ध के सारनाथ के प्रथम धर्मोपदेश के द्वारा धर्मचक्र का प्रतीक था। सांची का स्तंभ वर्गाकार है तथा उसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित हैं। इसके विपरीत प्रस्तुत तोरण का स्तंभ चातुरस्रिक अर्थात चार किनारी वाले हैं, और इसी में अंकित है वह विस्तृत अभिलेख जिसे हम वर्तमान सतना के नाम से जाने गए परिक्षेत्र का प्राचीनतम दस्तावेज कह सकते हैं। इसमें लिखा है कि शुंगों के राज्य में अंगारद्युत के पुत्र धनभूति ने इस तोरण द्वार का निर्माण कराया था। धनभूति की एक मोहर कौशाम्बी अर्थात वर्तमान इलाहाबाद में प्राप्त हुई है। इससे धनभूति की कौशाम्बी में राजधानी होने की परिपुष्टि होती है। इसके साथ साथ अंगारद्युत के सिक्के भरहुत में प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अंगारद्युत यहां पर वर्तमान थे तथा उनके समय में इस प्रकार का विशाल भव्य तोरण द्वार के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ने इसका नाम बराडोटिस लिखा है, और यह बताया है कि विदिशास के रास्ते में जब काशी होते हुए जाते हैं तो वहां पर यह बराडोटिस पड़ता है, और यह भरहुत का ही रूपांतर है। यह बात स्वयं लॉर्ड कनिंघम ने टॉलेमी के पुस्तक का उदाहरण देते हुए स्वीकार किया है। इससे पता चलता है कि यहां पर जो भरहुत है वो भिन्न समयों में विभिन्न विद्वानों और संतों के द्वारा प्रचारित किया जाता था। यहां पर जो भरहुत नाम है इसका, वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। ये जो भरहुत नाम है वो सम्राट अशोक के आगमन से भी पहले इस स्थान का नाम तो भरहुत पड़ ही चुका था। उसका कारण यह है, भर नाम के जो शासक थे वो यहां पर राज्य किया करते थे। कभी कहा जाता है कि भर नाम के जो शासक हैं वो यहां से लेके मालवा और उसके पश्चात गुजरात तक के स्थल में स्थानों में राज्य किया करते थे। फ्लीट ने जो अभिलेख तैयार किया है
उसमें भर राजाओं का उदाहरण है कि जब अश्वमेध करने के पश्चात और उसके पश्चात 10 अश्वमेध करने के पश्चात भर राजा काशी में जाकर अपने यज्ञ को पूरा कराया था, तब काशी का घाट का नाम पड़ा था दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट का जो नाम है वो इन्हीं भर राजाओं के द्वारा पड़ा था। इस प्रकार के जो भर राजा हैं, जो कि महान आधिपत्य के स्वामी थे, वो यहाँ पर राज्य करते थे और उनका ये अटूट विश्वास था, शैव थे तथा शिव में अटूट आस्था थी। तो इतिहास में ये कहा गया है कि वो बहंगी में, जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में लेके चला करते थे, उसी प्रकार वे लोग बहंगी में शिव की मूर्ति, शिवलिंग को लेकर चला करते थे। इसलिए उनका नाम भर अथवा भार पड़ गया और उन राजाओं के द्वारा जो शासित प्रदेश है उसको भरहुत कहा गया। तो भरहुत जो नाम है वो तो सम्राट अशोक से भी काफी पहले था, परंतु भरहुत जो नाम है उसको पहचान मिली सम्राट अशोक के द्वारा, जब यह इतना विशाल स्मारक विकसित हो गया तब। और सम्राट अशोक ने जब यहाँ पर ग्राउंड वर्क करा दिया, सच तो ये है कि उनके पश्चात इसकी उन्नति क्रम से धीरे धीरे शुरू हुई। हजारों वर्ष तक इसमें दूर दूर के लोग यहाँ पर आकर के अपना अपनी कला को विकसित करने के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानते रहे। जब यहाँ पर सम्राट अशोक ने ग्राउंड वर्क बनाया, उसके पश्चात पूरे देश ही नहीं अपितु विदेश के भी कलाकार यहाँ पर आए। इतिहासकार बताते हैं कि ग्राउंड वर्क के समय यहाँ पर श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, बोधगया से कलाकार यहाँ पर आते रहे। इस प्रसिद्ध स्थान पर चार दिशाओं में विशाल काय तोरण द्वार के साथ इस स्तूप रचना का सविशेष महत्व था। यह उत्तर और दक्षिण के तत्कालीन बड़े नगरों के लिए चतुष्पथ के समान था। यहाँ से उत्तर में त्योंथर देवकुठार होते हुए कौशाम्बी की ओर रास्ता जाता था। देवकुठार आदि में भी प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूसरा रास्ता आधुनिक मिर्जापुर होते हुए काशी को जाता था। तीसरा बक्सर आरा होते हुए राजगृह जाता था। दक्षिण की ओर एक रास्ता विदिशा और उज्जैन की ओर तथा एक अन्य रास्ता महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठण की ओर जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ आने और जाने का जो स्थान था वह मिलन स्थान था और इस मिलन स्थान पर स्तूप बनाना अत्यंत स्वाभाविक था। यहाँ पर हम पाते हैं कि जितने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की घटनाएं हुई हैं उन सबका साक्षी रहा है यह भरहुत। यह है भरहुत गांव का विहंगम दृश्य। आज इस समय भरहुत गांव में इस प्रकार से जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसके कुछ अवशेष यहां पर दिखाए गए हैं और वे अवशेष जो कि वहां से लाए गए तथा किसी रूप में वो टूट फूट गए, परंतु फिर भी अवशेष के रूप में ये लगता है गौतम बुद्ध की अथवा किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति यहां पर मौजूद है। यहां पर जो इस समय पीपल का पेड़ जहां पर हम खड़े हैं वह वास्तव में बोधगया में जहां पर गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था उसका एक प्रतिरूप लगाया गया है जो कि यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार से भरहुत अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने कंपोजिट कल्चर अर्थात सामासिक संस्कृति को स्थान दिया और इसके कारण से युगों युगों तक भरहुत की जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो आचार विचार हैं, जो उनकी वेशभूषा है, जो उनका अलंकार है, पहनावा है और जो उनके पारंपरिक विचारों के कारण से जो कहानियां निश्चित हुई हैं उन सबका दृश्यांकन यहाँ पर हुआ और इस दृश्यांकन से उस समय की प्राचीन चीजें उस रूप में सुरक्षित रह गईं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम यहाँ पर कोई बात इस समय आपके सामने कहें तो वह आज आई गई हो सकती है, परंतु पत्थर में उत्कीर्ण होने के कारण से
वह वस्तु अभी भी उसी रूप में मौजूद है जिस रूप में वे लोग उस समय उस चीज को सोचा करते थे। इसलिए हम यहाँ पर एक बहुत पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कि हम ये देख सकते हैं कि इतनी प्राचीन चीजों के कुछ न कुछ चिन्ह वर्तमान हैं और उन चिन्हों की सुरक्षा का श्रेय इस प्रकार के बाबा जी को है। हम इनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। इस रास्ते से हजारों तीर्थयात्री, संत, महात्मा, पर्यटक आते जाते थे। वैद्यराज जीवक, महावैयाकरण पतंजलि, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, महान रसायन विज्ञानी नागार्जुन जैसे लोग इसी रास्ते से आए और गए थे। यहाँ पर उसके पश्चात जितने युगों युगों तक कार्य हुआ है उसका भरोत साक्षी रहा है। यहाँ पर दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का प्रचलन था, उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन था। कृष्ण यजुर्वेद के विद्वान उत्तर भारत में अपने वेद पाठ को बताने के लिए आते थे, शुक्ल यजुर्वेद के विद्वान वेद पाठी अपने वेद पाठ को बताने के लिए दक्षिण की ओर जाया करते थे। दोनों प्रकार के वेद पाठियों का सम्मिलन यहाँ पर भरूत में हुआ करता था। यहाँ पर अद्वैत वेदांत के जो संस्थापक शंकराचार्य, जो कि दक्षिण भारत के निवासी श्रृंगेरी के थे, वो इस रास्ते से गुजरकर काशी और अन्य अन्य स्थानों में गए थे। श्री महागणाधिपतये नमः। दक्षिण के सैकड़ों व्यापारी मलयज चंदन, विदर्भ के मूंगा मोती तथा सूखे मेवे मसाले लेकर जाते थे। इस प्रकार उत्तर के व्यापारी कपड़े कंबल आदि लेकर चूं-चूं करते, घंटी नाद करते हुए सैकड़ों शकटों सार्थवाहों के साथ यहाँ आते, ठहरते तथा धर्म लाभ के पश्चात आगे की यात्रा के लिए अग्रसर होते थे। ये गांव या शहर पुराने जमाने में बना था, आज भी खंडहर हुआ है। आवाज देखने में कुछ नहीं दिखता, फिर पुराना इतिहास यहाँ था। मकान और मंदिरों के नमूने जनाते हैं। जैसे तो कलाओं का विश्वविद्यालय था, ये भरहुत ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना गया। पहले ऊपर वहाँ सीधा लेक था, एक लेक बड़ा का पत्थर था, उसमें देश विदेश के आते थे बांस निकलाने, उसको बांस नहीं पाते थे। बहुत ही पुराने सभ्यता, बुद्ध सभ्यता या उनके पुराने जमाने का है जो अभी भी लिखा हुआ है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घात की भूमि थी, बहुत बड़ी विशिष्ट ऐसी भूमि थी जहाँ पर कि हम दोनों जगह जा सकते हैं, इसलिए इसको स्थान मिला था। तोरण द्वार के दोनों ओर अत्यंत अलंकृत वेदिका है। इसमें कुल 8 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से बना है। तोरण द्वार के साथ इसकी ऊंचाई अधिक है, पश्चात यह ढलवा होता गया है, इसी से इसकी सुंदरता बढ़ गई है। प्रत्येक स्तंभ तथा सूचीखंड में भी अनेक प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य तथा जातक आख्यानों के दृश्य अंकित हैं। एक दृश्य में गौतम बुद्ध की माता माया देवी के स्वप्न का वर्णन है। अन्य दृश्यों में कमल पत्र का तथा नृत्य करते हुए मयूर का अंकन है। कुछ दृश्यों में हाथियों का चित्रण है तथा अन्यत्र बोधि वृक्ष का भी सुंदर चित्रण है। और तब शुरू हुआ विशाल प्रस्तर खंडों में विशाल पुरुष प्रमाण जीवंत मूर्तियों के उकेरने का उपक्रम। अन्य सभी स्तूपों के समान मिर्जापुर के चुनार के पर्वत सम लाल पत्थर लाए जाने लगे। उस कठिन युग में उन विशाल पत्थरों को पहुंचाना भी
अजूबा से कम तो नहीं था। साथ ही श्रावस्ती, कौशाम्बी, विदर्भ, अश्वक के प्रसिद्ध मूर्तिकार एकत्र होने लगे। यहां पर हम प्रणामांजलि के साथ स्वागत की मुद्रा का देश का सबसे पहला दृश्य प्राप्त करते हैं। आज यह मूर्ति भरहुत कला भवन वाराणसी की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ एक ओर अनारियों के धन के अधिपति कुबेर का सुंदर चित्रांकन है, अन्य स्तंभ में कुबेर की पत्नी भुंजती चित्रित है। इसमें इंद्र के लिए स्तंभ का दान यह अभिलेख भी अंकित है। दूसरी ओर लक्ष्मी का सजीव चित्रण है। चित्रण इतना सहज है कि लगता है कि वह आज का चित्रण हो, मानो 2000 वर्ष का समय उसके लिए ठहर गया हो। आज हम लक्ष्मी को जिस प्रकार का सोचते हैं वही वैसी ही उसमें अभिचित्रित है। वह अत्यंत सौम्य कमनीय मूर्ति कमल कलश पर संप्रतिष्ठित है, जिसके दो सुसज्जित हाथी अभिषेक कर रहे हैं। वेदिका स्तंभ पर अभिचित्रित एक मूर्ति श्री मां देवता की है। इसे पाली में सिरिमा देवता के रूप में अभिलिखित किया गया है। ऋग्वेद के श्री सूक्त में वर्णित मां का सर्वप्रथम चित्रांकन का श्रेय इस भरहुत स्तूप को प्राप्त हो सका है। अत्यंत सौम्य और वात्सल्य पूर्ण यह मूर्ति आशीर्वाद की मुद्रा में सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। लॉर्ड कनिंघम ने इसके अलंकार और परिधान को मॉडल मानते हुए इसका नवीन प्रतिरूप विकसित किया है। आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु एक अत्यंत सुंदर कमनीय भीलनी युवती अभिचित्रित है। उस श्यामा से शालीनता मुखर हो रही है। वह उन संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित है जो उस समय के अलंकार थे। अभिलेख में इसे चुलकोक देवता अर्थात लघु देवता की संज्ञा दी गई है। यह अशोक दोहद की मुद्रा में संप्रतिष्ठित है। परंपरा के अनुसार इसका अम्लान सौंदर्य अव्याज मनोहरम वपुः का स्पर्श प्राप्त करके अशोक फूलने लगता है। भरहुत स्तूप को अन्य सभी स्तूपों से विशिष्ट बनाने वाला एक प्रमुख तथ्य है इस देश की प्राचीनतम संस्कृति का चित्रांकन। यह हमारा सौभाग्य है कि रामायण कालीन कथा का देश में सबसे पहला चित्रांकन हम भरहुत स्तूप में प्राप्त कर पाते हैं। यह रामायण के वनराज सुग्रीव तथा राम के मिलन को प्रदर्शित करता है। इसमें अरण्य के परिवेश में मुकुट पहने हुए श्री राम तथा सुग्रीव एक शिला पर बैठे हुए गंभीर मंत्रणा करते हुए दिखाए गए हैं। सुग्रीव मानो उनकी वार्ता सुनने के लिए उनकी ओर झुक रहे हैं। समीप ही अन्य बंदर उछल कूद कर रहे हैं। यह चित्रांकन इतना विशिष्ट है कि लॉर्ड कनिंघम ने अपने ग्रंथ के मुखपृष्ठ पर इसे स्थान दिया है। इसके अलावा दशरथ जातक में चित्रकूट में श्री राम द्वारा भरत के लिए 14 वर्ष तक खड़ाऊं द्वारा अयोध्या के शासन का निर्देश है। इस बहुमूल्य दृश्य में राम और सीता के सामने भरत दाहिने हाथ में एक छत्र एवं पादुकाओं का जोड़ा पकड़े खड़े हैं। एक अन्य सुंदर दृश्य में भरद्वाज आश्रम में प्रयाग में श्री राम और सीता एक शिला शकल पर बैठे हुए हैं। श्री राम खड़े हुए लक्ष्मण और भरत को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सभी दृश्यों से भरहुत स्तूप में रामायणकालीन संस्कृति मुखर हो उठी है। एक अन्य अतिरोचक दृश्य में विदेहराज मघादेव जनक की कहानी चित्रांकित है। इसमें एक नाई राजा के बाल बना रहा है। उस समय वह श्रवण समीप श्वेत केश को राजा को दिखाता है। राजा उस बाल को दाहिने हाथ पे लेते हैं तथा सामने सम्मानित मुद्रा में खड़े अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि अब उनका जीवन से संन्यास लेने का अवसर आ गया है। यह
वास्तव में आधुनिक युग में भी लोगों के लिए उदाहरण योग्य है। इस भरहुत स्तूप में सर्वाधिक दृश्य तो बौद्ध घटनाओं के हैं। बौद्ध साम्राज्य के समय निर्मित और विकसित होने के कारण यह सर्वथा स्वाभाविक भी है। गौतम बुद्ध के समय की तथा पश्चातकालीन ऐतिहासिक घटनाएं, जातक कथाएं, उस समय के सामाजिक दृश्य अत्यंत बहुल मात्रा में देखे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के समय चार साम्राज्य अत्यंत प्रमुख थे, मगध, वत्स, कोसल और अवंती। इसमें कोसल नरेश प्रसेनजीत थे तथा मगध साम्राज्य के अधिपति अजातशत्रु थे। ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। अतएव सम्राट अशोक ने अवंती और वत्स के बीच भरहुत स्तूप का निर्माण करते हुए इन दोनों नरेशों की वंदनाओं को अपने स्तूप में अंकित कराया था। एक मनोहारी दृश्य में प्रसेनजीत स्तंभ के अंतर्गत प्रसेनजीत द्वारा यात्रा तथा पश्चात धर्मचक्र की प्रदक्षिणा का सुंदर चित्रण उपलब्ध हुआ है। इसमें नीचे प्रसेनजीत चार घोड़ों वाले रथ पर बैठकर पूजा के लिए जा रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण अभिलेख है राजा प्रसेनजी कोसलो। ऊपर की ओर किसी मंदिर में छत्र से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत धर्मचक्र विराजते हैं। यहाँ भगवतो धम्मचक्रम अभिलेख अंकित है। यहाँ प्रसेनजीत प्रदक्षिणा के लिए एक ओर से अंदर प्रवेश करते हुए तथा दूसरी ओर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य दृश्य में अजातशत्रु स्तंभ के अंतर्गत एक ओर मगध नरेश अजातशत्रु हाथी पर बैठकर यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं, दूसरी ओर वे गौतम बुद्ध के सिंहासन की वंदना करते प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ अभिलेख में लिखा है अजातशत्रु भगवतो वंदे। उसके अनुसार अजातशत्रु जीवक की सलाह पर रात को ही एक बड़े जुलूस के रूप में बुद्ध की वंदना के लिए निकल पड़े थे। यह जुलूस उद्यान होते हुए बुद्ध के निवास तक पहुंचता है। यहाँ अजातशत्रु हाथी से उतरकर वंदना करते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित अनेकानेक कहानियां समाज में खूब लोकप्रिय हुई। उन्हें भी भरहुत की मूर्तिकला में स्थान दिया गया। उनमें से एक जेतवन दान की कहानी है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह गौतम बुद्ध के लिए विहार बनवाना चाहता था। उससे कहा गया कि विहार का स्थान विजनवात हो, अल्प शब्द हो, एकांत हो, ध्यान के उपयुक्त हो। इसके लिए अनाथ पिंडक को राजकुमार जेत का उद्यान उपयुक्त प्रतीत हुआ। उसने जेत से भूमि प्रदान का अनुरोध किया, पर भला जेत राजकुमार क्यों मानने लगा? उसने 1 कोटि संथार अर्थात आधुनिक 1 करोड़ मुद्रा जैसी भारी भरकम राशि से उस जमीन को देना स्वीकार किया। परंतु उस व्यापारी की बुद्ध के प्रति भक्ति तो देखिए, उसने 1 करोड़ हिरण्य की मुद्रा को देना स्वीकार कर लिया। तब अनाथ पिंडक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जेतवन में कोटी संथार अर्थात 1 करोड़ मुद्राएं बिछा दी। यह अत्यंत लोकप्रिय कहानी भरहुत के दृश्यांगन का आलंबन बनी। इस दृश्य में बैलगाड़ी से स्वर्ण मुद्राएं लाकर पूरी धरती पर बिछाई जा रही हैं। बैलगाड़ी के बैल आराम कर रहे हैं। 2/3 भूभाग पर
मुद्राएं बिछाई जा चुकी हैं। तब अनाथ पिंडक एक लोटे जल से अर्घ्य दे रहे हैं, मानो जमीन की रजिस्ट्री हो गई। कोई जमाना था जब यह कहानी विंध्य भूमि में जन जन की वाणी का विषय बनी थी। तभी तो सतना के समीप जैतवार नामक स्थान इसी जेतवन के नाम पर रख दिया गया था। भरहुत के इस दृश्य को देखे बिना कौन जान सकता है कि श्रावस्ती की यह घटना यहां पर भी कितनी लोकप्रिय हुई थी। भरहुत स्तूप का महत्व इसलिए भी है कि इसमें कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है जिसे अन्य उपायों से नहीं जाना जा सकता। इसमें से ही एक है पाणिनि और वररुचि की कहानी। हम जानते हैं कि पाणिनि विश्व के महानतम वैयाकरणों में से थे। उनकी घटना का चित्रांकन इस दुर्लभ चित्र में यहाँ उपलब्ध हुआ है। क्षेमेंद्र की पुस्तक में इसका विवरण उपलब्ध होता है। यह घटना उस समय महापद्म नंद के साम्राज्य में विकसित हुई थी। हम जानते हैं कि उनके साम्राज्य में वर्ष और उपवर्ष नामक दो महान विद्वान थे। वर्ष के शिष्य पाणिनि थे तथा उपवर्ष के शिष्य वररुचि थे। वररुचि अध्ययन में इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्होंने गुरु का मन मुग्ध कर लिया। अतः आगे चलकर उपवर्ष ने अपनी पुत्री उपकोशा का वररुचि के साथ विवाह कर दिया। आगे चलकर कहानी में कहा है कि पाणिनि और वररुचि में प्रतिस्पर्धा चलती थी। एक समय पाणिनि ने वररुचि को परास्त कर दिया। इससे वररुचि को इतनी ग्लानि हुई कि वो घर छोड़कर चले गए। अब उपकोशा घर में अकेली रह गई। इस पर एक रात्रि में महाराज नंद के तीन अधिकारी रूप यौवन संपन्न उपकोशा के घर में घुस गए। उपकोशा ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने थोड़ी देर उनका स्वागत करने के पश्चात किसी पदचाप के बहाने से कहा कि मेरे पति आ रहे हैं। इस पर वे अधिकारी घबरा गए। उपकोशा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास तेल के बड़े बड़े कुप्पे हैं, उनमें जाकर बैठ जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। उपकोशा ने तुरंत ही उन्हें कुप्पों में बंद कर दिया तथा उनके मुंह में तेल मल दिया। अगले दिन उपकोशा उन कुप्पों को लेकर सीधे नंद के न्याय दरबार में पहुंच गई। महाराज के आने पर उसने उनके सामने कुप्पों का मुंह खोल दिया। नंद अपने अधिकारियों को पहचान गए तथा उन्हें कड़ा दंड दिया। प्रस्तुत दृश्यांकन में न्याय की आसंदी पर नंद बैठे हैं। उपकोशा खड़ी होकर शिकायत कर रही है तथा तीनों अधिकारी बंदर के मुख जैसे कुप्पों में से दिखाई पड़ रहे हैं। कहानी में कुछ अतिरंजना हो सकती है, पर यह स्वीकार करने योग्य है कि ऐसी कोई घटना हुई होगी तथा समाज में उसका बहुत प्रचार हुआ होगा। भरहुत स्तूप में अनेक ऐसी जातक कथाएं भी हैं जिनसे गौतम बुद्ध का उच्चतम स्वरूप प्रदर्शित होता है। इसमें अनेक कथाएं अथवा घटनाएं इस प्रकार की भी हैं जिसमें उनका यानी गौतम बुद्ध का आर्य देवताओं इंद्र के साथ परस्पर संवाद तथा आदर भाव प्रदर्शित होता है। हम उन्हें यहाँ विशेष रूप से दिखाना चाहेंगे क्योंकि उससे भरहुत स्तूप को यह श्रेय प्राप्त होता है कि उसमें आर्य संस्कृति तथा बौद्ध संस्कृति का मिलन तथा परस्पर संवाद प्रदर्शित किया गया हो। इसमें से एक जातक कथा संकीस सोपानम अभिलेख के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि शक्रस्य सोपानम अर्थात इंद्र की सीढ़ी। इसमें कहानी यह है कि एक बार गौतम बुद्ध 33वें स्वर्ग में इंद्र के साम्राज्य में उपदेश देने के लिए गए थे। वहां पर इंद्र ने उनका काफी सेवा और सत्कार किया और गौतम बुद्ध ने वहां पर अपने प्रवचन उपदेश दिया। उसके उपरांत गौतम बुद्ध ने अपने पृथ्वी लोक में सकसपुर जाने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने सोचा कि उनके सम्मान में उनकी सुविधा के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक के उस नगर तक सीढ़ी बनवा दी जावे। कहानी कहती है कि
ऐसा ही किया गया। भरूत स्तूप के चित्रांकन में प्रथम दृश्य में श्रोतागण गौतम बुद्ध का उपदेशामृत ग्रहण कर रहे हैं, द्वितीय दृश्य में उनके लिए विशाल सीढ़ी प्रदर्शित की गई है तथा अंतिम तृतीय दृश्य में उनके पृथ्वी लोक में पहुंचने पर शिष्य गण उनका स्वागत कर रहे हैं। एक जनश्रुति यह है कि बुद्ध ने नर्मदा नदी के किनारे बालू में अपने पैरों के निशान बनाए थे। श्रीपाद के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। टॉलेमी के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे सीरियाल नामक नगर था जो श्रीपाद का भ्रंश था। प्रस्तुत चित्रांकन में उसी श्रीपाद की उपासना दिखाई गई है। इसी के साथ साथ अभिनिष्क्रमण नामक चित्र के अंतर्गत एक ऐसा दृश्य है जिसमें किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तथा लोग रो रहे हैं। उनको देखकर गौतम बुद्ध के मन में निर्वाण की तथा अभिनिष्क्रमण की धारणा उत्पन्न हुई थी। इस दृश्यांकन में सुजातो गहुतो जातक अभिलेख है जिस दृश्य में अन्य किसी जन्म में सुजात नाम से प्रसिद्ध गौतम बुद्ध मरे हुए बैल को चारा खिला रहे हैं। इसके पश्चात प्राप्त होता है इसीमिगो जातक इस अभिलेख से अंकित दृश्यांकन। यह सौभाग्य है कि सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव की कहानी भरहुत में चित्रांकित पाई गई है। ऋषि पत्तन मृगदाव तो सारनाथ में है परंतु गौतम बुद्ध जब एक मृग के रूप में अवतरित हुए थे तब की कहानी का बहुमूल्य दृश्य इसीमिगो जातक के नाम से भरहुत में अंकित देखा गया है। इस कथा में कहा गया है कि गौतम बुद्ध हिरणों के राजा थे। तब बनारस का एक राजा प्रचंड शिकारी था। वह अकारण ही बहुत से मृगों को मारता था। तब मृगराज साहसपूर्वक राजा के पास गए तथा निवेदन किया कि वह शिकार छोड़ दें तथा बदले में प्रतिदिन एक हिरण ले लिया करें। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रस्तुत दृश्य में अत्यंत सौम्य मुद्रा में एक मृग दिखाई पड़ रहा है और उसके साथ शिकार करता हुआ एक व्यक्ति चित्रांकित हुआ है। एक अन्य मनोहारी दृश्य में भी आर्य अनार्य देवताओं का इंद्र द्वारा गौतम बुद्ध के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित किया गया है। इसमें इंद्र अपने विशाल काय भव्य महल में विराज रहे हैं तथा वहां नीचे वाले दृश्य में इस अद्भुत दृश्य के सम्मान में आमोद प्रमोद तथा अप्सराओं का नृत्य वाद्य दिखाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। नृत्य की कलाओं तथा वाद्य के उपकरणों का भी इससे परिज्ञान होता है। यह सौभाग्य का विषय है कि भरहुत स्तूप में मध्य भारत की प्रसिद्ध नदी नर्मदा का सुदर्शना यक्षिणी के रूप में चित्रण हुआ है। ल्यूडर्स ने माना है कि इसके मकर वाहन से प्रमाणित होता है कि यह नदी देवी है। महाभारत में कहा है कि इस नदी देवी का नीचे का भाग नदी था, इसके वंश में नर्मदा देवी हुई थी, इसीलिए यह मध्य भारत की अति सुपूजित यक्षिणी नदी देवी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। भरहुत स्तूप के दृश्यांकन यह प्रकट करने में भी सक्षम है कि यहाँ ग्रीक कलाकार सैनिक आदि का भी आवागमन हो चला था। यहाँ दो ऐसे मूर्ति दृश्य उपलब्ध हैं जो ग्रीक सैनिकों के हैं तथा जो बुद्ध के शिष्य होकर यहाँ रहते थे। ये सैनिक उस समय की सैनिक वेशभूषा में हैं। इनके दोनों ओर हाथियों को संप्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर सुपालक नाम का जो बंदरगाह है
जिस पर सुपारक जातकम लिखा हुआ है, उसके जो व्यापारी हैं, उन्होंने यहाँ पर आके दान दिया था। और इसके पश्चात तो यहाँ पर दान देने और स्तंभ के बनवाने का जो क्रम है वो चालू हो गया और युगों युगों तक इस प्रकार का क्रम चलता है। वहां पर तो विदिशा की जो रानी है उसका नाम चाप देवा है, उस चाप देवा ने यहाँ के लिए दान दिया था, इसका भी यहाँ पर उल्लेख मौजूद है। इससे सहज ही ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र का प्रभाव विदिशा तक था। साथ ही यह भी कि उस समय की महिलाएं भी इतनी प्रभावी थीं कि वे स्वतंत्र होकर दान देते हुए स्तंभ का निर्माण करा सकें। यहां कन्याओं का विद्या अध्ययन प्रदर्शित करने के लिए एक अतीव रोचक दृश्यांकन उपलब्ध हुआ है। एक दृश्य में किसी शिलातल पर अवस्थित विशिष्ट तपस्विनी कन्याओं को पढ़ा रही है। दृश्य अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ा है, किसी विशेष साज सज्जा के बिना अध्यापन में तल्लीन है। चार कन्याएं नीचे बैठकर उनका अध्यापन सुन रही हैं तथा अभ्यास कर रही हैं। इसमें अभिलेख भी अंकित है, दीघ तपसी समना अनुशासति, अर्थात विशिष्ट तपस्विनी श्रमणा शिष्याओं को पढ़ाती है। भरहुत के एक रोचक दृश्य से प्रकट होता है कि कलाकारों को समुद्र का, उस रास्ते से नाव द्वारा व्यापार का तथा समुद्र में पाई जाने वाली विशालकाय व्हेल मछलियों का भी अच्छा परिज्ञान था। जातक कथाओं से भी प्रकट होता है कि नर्मदा नदी के रास्ते से चलकर भृगुकच्छ, आधुनिक गुजरात में भरौच तथा उसके समीपवर्ती बंदरगाह से व्यापार के संदर्भ में यहाँ के लोग भली प्रकार परिचित थे। इसे प्रकट करने के लिए भरहुत से जो रोचक दृश्य प्राप्त हुआ है उसमें समुद्र में नाव तथा उसमें व्हेल मछली दिखाई गई, जो कि एक साथ अनेक मनुष्यों को अपने विशालकाय जबड़े में लील रही। उसके बगल में नाव में बैठे कुछ मनुष्य भयभीत हो रहे हैं। लॉर्ड कनिंघम को यह प्रतिमा ऊंचेहरा के प्रासाद में दबी दिखाई पड़ी थी। उन्होंने उसे खुदवाया पर उसे निकलवा नहीं पाए थे। आगे चलकर उसे निकाल लिया गया परंतु यह यहां सुरक्षित नहीं रह पाई। आज यह भारत कला भवन वाराणसी की शोभा बढ़ा रही है। उन्होंने यह कहा है कि यह दृश्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समुद्र में जो नाव का चित्रांकन है वह इससे पहले कभी भी अभिचित्रित नहीं हुआ था, सबसे पहले यहां पर उपलब्ध हुआ है। इसका महत्व इस कारण भी है कि इसमें व्हेल मछली के साथ साथ जो प्राचीन व्यापार इत्यादि होते थे उनका भी इसमें चित्रण भली भांति हो पाया है। इसमें एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है जिसका संस्कृत रूपांतर यह है कि तिमिंगल कुक्षौ वसुगुप्तो मोचितो महादेवेन, अर्थात महादेव ने तिमिंगल की कोख से वसुगुप्त को छुड़ाया। इसकी कहानी जैन ग्रंथ दिव्यावदान इत्यादि में विस्तार से पाई जाती है। संक्षेप में कहानी यह है कि वसुगुप्त नाम का एक व्यापारी समुद्र में व्यापार के सिलसिले में समुद्र में यात्रा कर रहा था। वहां पर एक बार बहुत बड़ी मछली ने आक्रमण कर दिया तथा उसको अपने जबड़े में फंसा लिया। तब वसुगुप्त ने महादेव बोधिसत्व का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की, तब उस मछली ने उसको छोड़ दिया। भरहुत के कुछ दृश्यों में सृष्टि विद्या की कुछ मान्यताओं का भी वर्णन है। एक रोचक दृश्य में
कुंभोदर यक्ष की नाभि से कमल की लतर निकलती दिखाई गई है। यह इस विश्वास का चित्रांकन है कि प्रजापति की नाभि से कमल, उससे ब्रह्मा तथा उससे अंडाकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा का नाम पद्मनाभ है। एक सूक्ति में कहा है कि अब्जम द्वब्ज मथाब्ज भूस तत इदम ब्रह्मांडमंडात पुनः। इस मान्यता का सर्वप्रथम चित्रांकन इस दृश्य में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आर्य सभ्यता में सृष्टि विद्या की जो मान्यता है, उसका सबसे पहला रूपांतरण दृश्य चित्र के रूप में हमें यहाँ पर भरहुत स्तूप में प्राप्त होता है। भरहुत में जन विश्वास के चित्रण के अन्य उदाहरण भी मौजूद हैं। महाभारत पुराण आदि में कल्प वृक्ष की मान्यता का विवरण है। इसके अनुसार उत्तर कुरु में ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिनसे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भरहुत में ऐसे वृक्ष तथा इनसे प्राप्त होने वाले कर्णाभूषण, हार, मेखला इत्यादि का भी चित्रण है। इसी क्रम में भरहुत में वर देने वाली कल्पलताओं का चित्रण है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे कल्प वृक्ष थे जिनसे प्रार्थना करने पर संपूर्ण समग्र इच्छाओं की पूर्ति होती थी, उनका चित्रण भी यहाँ पर प्रस्तुत है। इन्हें आम, कटहल आदि वृक्षों में कलात्मक रीति से सज्जित किया गया है। इस प्रकार का एक दृश्य इलाहाबाद संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। भरहुत में अनेकानेक जातक कथाओं के साथ साथ समीपवर्ती स्थानीय प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन है और इसके साथ साथ हास्य दृश्यों का भी वर्णन है। एक बहुत प्रसिद्ध रोचक हास्य दृश्य इस प्रकार है कि एक व्यापारी है जिसके एक दांत में दर्द हो रहा है, तो बंदरों ने उसके दांत को निकालने की सोची। बंदरों ने एक बहुत बड़ी चिमटी हाथ में ली और एक बहुत बड़ी रस्सी को भी हाथ में लिया। उस रस्सी को एक सिरा उस चिमटी से बांध दिया तथा दूसरा सिरा उसके दांत से बांध दिया और उस चिमटी को हाथी के गले में फंसा दिया और उसके पश्चात हाथी को टिक टिक करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हाथी चले और उसके पीछे वाली जो रस्सी से जुड़ा हुआ दांत है वो उसका टूट सके। इस प्रकार के बंदरों के और अन्यों के दृश्य बहुत से अंकित किए गए हैं। भरहुत में एक अन्य भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि वहाँ की जो प्राकृतिक, वहाँ की जो स्वाभाविक परिस्थिति है, वहाँ के गांव की, वहाँ के कृषि की इत्यादि की जो स्थिति है उसका भी वर्णन किया गया है। एक बहुत सुंदर चित्रांकन में एक घर में कोई पत्नी अपने पति को खाना खिला रही है और उसके पात्र और खाने के जो उपकरण हैं वो भी उस समय के देखने योग्य बनते हैं। कुछ अन्य अनेक चित्रों में ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए कुछ दृश्यों का वर्णन है, जैसे कि खेती के गहाई इत्यादि का, अथवा घरों में खाना पकाने का, अथवा उन खाना पकाने के पश्चात भोजन परोसने इत्यादि का भी सुंदर अभिचित्रण प्राप्त होता है। तीर्थयात्रा का भी वर्णन है। एक तीर्थयात्रा के अंतर्गत ये दिखाया गया है कि पति पत्नी दोनों तीर्थयात्रा के लिए चले हैं तो उसमें सुलभ नाम का जो पति है वह अपने पत्नी के साथ चल रहा है और वह पत्नी खुद घोड़े को आगे बढ़ा रही है, हांक रही है। भरहुत के दृश्यांकनों में यह बहुत ही मनोहारी और सुंदर कथा है जिसमें कि भगवान बुद्ध 6 दांतों के हाथी के रूप में अवतरित हुए। बहुत ही दिव्य हाथी जिसका स्वरूप बहुत ही सुंदर था। जब यहाँ पे लॉर्ड कनिंघम आए तब उन्होंने देखा कि एक इसका भाग एक टूटा हुआ है और एक नहीं है। एक आधे भाग को लिए हुए उन्होंने दूसरे भाग को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते कुछ दूरी तक गए, उन्होंने जब देखा कि एक धोबी किसी पत्थर के टुकड़े पर कपड़े धो रहा है, उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही कि यह वही टुकड़ा है जिसकी उन्हें खोज थी। उन्होंने दोनों टुकड़ों को मिलाया और समझ में आया कि
कि यह छदंत जातक भगवान बुद्ध के अवतरण की बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन इसमें किया गया है। यह एक दुर्लभ मूर्ति चित्र, ऐतिहासिक मूर्ति चित्र ऐसा है जो कि सतना में अवस्थित है और जो अत्यंत सौभाग्यवश सतना से बाहर जाने से बच गया है। यह इस समय सतना रामबन संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है। जैसा कि इसमें जो पट्टिका है उससे स्पष्ट है कि इसमें भरूत के संबंध में जो अत्यंत प्रसिद्ध जातक कहानी है उसका चित्रांकन है। इसमें चंपेय जातक का चित्रांकन हुआ है। चंपेय जातक के संबंध में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध किसी जमाने में अत्यंत प्रसिद्ध और महाबलशाली सर्प के रूप में अवतरित हुए थे और उसको किसी शिकारी ने पकड़ना चाहा था। उसको मना करने के लिए काशी नरेश राजा उग्रसेन ने प्रार्थना की, अनुरोध किया उस शिकारी से कि उसको छोड़ दे। इस प्रकार की जो अत्यंत प्रसिद्ध कहानी चंपे जातक में गई गई है उसका सबसे प्रथम सबसे दुर्लभ चित्रांकन यहाँ पर हुआ है। और इसके साथ साथ इस मूर्ति चित्र की यह भी सबसे विशेषता है कि भरहुत की जो पहचान है अर्थात पनस माने कटहल के वृक्ष और उसके साथ साथ कल्पलताओं का वर्णन, कल्पलता और पनस इनको साथ मिला करके अन्य कई जगह भी मूर्ति चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। अन्य कई जगहों से तुलना करने पर हम ये जानते हैं कि यह निश्चित रूप से भरहुत की पहचान है, उसकी कला को इस मूर्ति चित्र से पहचान मिली है। यह दुर्लभ चित्र वैसे तो खंडित हो चुका है परंतु फिर भी अपने आप में अत्यंत अत्यंत बहुमूल्यता को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से अपने आप में भरहुत स्तूप का जो दृश्यांकन है वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण बन सका है। और आज अगर हम ये चाहें कि 2200 वर्ष की प्राचीनतम संस्कृति को आंखों से देखकर जान सकें तो भरहुत दृश्य के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। हमने जो अभी कहा था कि सांची और सारनाथ में जो उस समय के दृश्य उपलब्ध हुए हैं उससे अनेक अनेक दृश्य जो कि उसमें सांची सारनाथ में नहीं पाए जाते हैं इस प्रकार के अनेक अनेक दृश्य उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार से भरहुत जो है वो सांची और सारनाथ से अद्भुत है, यूनिक है, डिस्टिंग्विश्ड है और इसको अन्यों से विशिष्ट रूप से समझने की आवश्यकता और इसका अध्ययन करने की अनिवार्यता अभी भी इतिहासकारों और शोधार्थियों के लिए और सामान्य जनों के लिए भी मौजूद है।